ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि अब रेवाड़ी के जिन गांवों में समस्याएं थीं, सुबह खेड़ा गांव की बात कर रहे हैं और उसके बाद एक और गांव की बात कर रहे हैं आलोक, इससे समस्याएं जो हैं वो अब दूर होती दिखाई पड़ी। लेकिन ब्रेक से पहले भी हम बातचीत कर रहे थे, हमने ये सवाल खड़ा किया था कि आखिरकार ये समस्या पैदा क्यों हुई, आखिरकार क्यों ये परेशानियां होती हैं कि जब बेटियां घर से निकलती हैं तो एक गाँव से दूसरे गाँव के बीच में उनके साथ छेड़खानी की जाती है। ये समस्याएं तो आगे भी कम इस तरह नहीं होने वाली। बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये कोई स्थायी समाधान नहीं है कि एक स्कूल को प्लस टू का दर्जा दे दिया जाए, वहाँ पर आपकी लड़कियाँ पढ़ें। जाहिर तौर पर जब लड़कियाँ वो प्लस टू करके कॉलेज के लिए जाएंगी तो इस तरह की समस्या फिर आएगी। हो सकता है कि कई सोमो खेड़ा की जगह कोई दूसरे गाँव में इस तरह की समस्या हो, तो ये मानसिकता जो है इसमें जो परिवर्तन आया है उसको देखना होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं सामाजिक स्तर पर, उस तरह की चीज़ों को ठीक करना होगा। गाँव के जो बुजुर्ग हैं, जो सामाजिक ताना बाना है उसको ठीक करते हुए इस तरीके से पंचायत करके जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं उनका जाति बहिष्कार किया जाए या इस तरह का उनका प्रावधान किया जाए कि वो आगे से इस तरह की हरकत ना करें। तो कहीं ना कहीं दबाव में इस तरह की चीजें करवाएं सुधार आ सके, और मानसिक स्तर पर यदि सुधार आएगा तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब मानसिक स्तर पर सुधार आएगा तो परिवर्तन की बात यहां पर समझ में आती है। लेकिन यह समस्या जो पूरी चल रही है, ये समस्या क्या सिर्फ एक एरिया की है जिन गांवों का हम जिक्र कर रहे हैं वहां की है कि हरियाणा के तमाम जगहों पर इस तरह की समस्याएं होती हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो समस्याएं हैं ये जरूर है कि सुमोखेड़ा गांव में ये समस्या उभर कर सामने आ गई और मीडिया के माध्यम से ये समस्या कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंची। मगर इस तरह की जो समस्या है वो हरियाणा के दूसरे इलाकों में भी है, और खासकर जिस तरीके से जो पिछड़े इलाके हैं, जो गाँव के इलाके हैं, वहाँ पर इस तरह की दिक्कत आती है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को देखना होगा और गंभीरता से इन चीज़ों को लेना होगा। प्रशासनिक स्तर पर भी इन चीज़ों को गंभीरता से लेना होगा और सामाजिक स्तर पर भी इन चीज़ों को गंभीरता से लेना होगा ताकि सारी जो चीज़ें हैं वो ठीक हो सके और कहीं ना कहीं जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन आ सके। और जो स्कूल में जिस तरह की चीजें होती हैं, स्कूल की बच्चियों के साथ जिस तरीके की छेड़खानी होती है, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह का इजाफा हो रहा है उसमें गिरावट आए, और मानसिकता यदि बदलती है तो कहीं ना कहीं समाज बदलता है। जी कल आलोक आप गए थे यहाँ पर, आपने तमाम वक्त वहां पर गुजारा, लोगों से बातचीत की, बच्चियों से बात की, उनके पेरेंट्स से बातचीत की, माताओं से बातचीत की, तमाम बातें निकलकर सामने आई। ये बच्चियां क्या बताया करती हैं कि क्या परेशानी इनके साथ हुआ करती थी, किस तरह इन्हें परेशान किया रहता था? देखिए मैं आपको बता दूं कि लाला जो गांव है, ज्योग्राफिकल जो लाला गांव में और सुमोखेड़ा गांव में 2 किलोमीटर का अंतर है, और 2 किलोमीटर का जो अंतर है वहां पर सिंगल एक रोड है और उस रोड से उनको पैदल जाना होता है, क्योंकि इस तरह की सुविधा भी सरकार की तरफ से नहीं है कि वहां पर ट्रांसपोर्ट के लिए कोई किसी तरह की सरकारी बस हो या और किसी तरह का कोई प्रावधान हो। तो जाहिर तौर पर तमाम जो बच्चे हैं वो स्कूल के लिए 2 किलोमीटर पैदल चल कर जाते हैं, और दोनों तरफ क्योंकि खुला एरिया है, तमाम खेतों का एरिया है, ऐसे बिल्कुल। आलोक आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ रणधीर सिंह जी जुड़ रहे हैं, रेवाड़ी के एमएलए हैं। रणधीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत MH1 न्यूज में है। आपके जो शहर है रेवाड़ी की बात कर रहे हैं, उसके चर्चे हो रहे थे, लेकिन जो चर्चे हो रहे थे वो गलत वजहों से हो रहे थे, बड़ी समस्या यहाँ पर थी। अब फिलहाल सरकार की ओर से कहा गया है कि समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जी हाँ, मैं उस समय वहाँ उपस्थित था जी, और आज इस समस्या का समाधान हो गया है जी, और लोगों ने उपस्थित पूरे समूह ने उस बात की बड़ी प्रशंसा की है कि सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय जन भावना के अनुरूप लिया है, परिस्थिति के अनुरूप लिया है, और स्वागत किया। रणधीर जी जी, रणधीर जी बिल्कुल अच्छी बात है, लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन आप जहां के MLA हैं उस इलाके में यह समस्या आई क्यों, क्या कहेंगे आप? जिस इलाके के आप MLA हैं वहां पर इस तरह की समस्या है क्यों, और ये समस्या आज से नहीं है, 2 साल पुरानी समस्या, 6 साल पुरानी समस्या, 4 साल पुरानी समस्या है, माफ कीजिएगा। मैं आपकी सूचना के लिए बता रहा हूँ जी कि ये विधानसभा रेवाड़ी का मामला ना हो करके ये मामला कोटली विधानसभा का था जी, लेकिन क्योंकि जिला मेरा पड़ता है जी और एक सेंसिटिव मामला था जी, इसलिए मैंने इसमें रुचि लेकर और इसको एक शर्मनाक घटना मानकर, अपना दायित्व समझकर जी, पहले ही मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिख के दी थी मैंने, शिक्षा मंत्री को भी जी, और डायरेक्टर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को भी दी थी जी, और आज राव नरवीर सिंह मंत्री जी और सहकारिता मंत्री विक्रम सिंह की उपस्थिति में ये सारी बातें सेटल हो गई हैं, और लोगों ने
लोगों को ये विश्वास हुआ है कि सरकार ने जन भावना के अनुरूप हमारे अनुरूप काम किया है, उन्होंने सबका आभार जताया है, मनोहर लाल खट्टर सरकार का बड़े खुले दिल से आभार प्रकट किया है। बिल्कुल रणधीर जी, आपने लगातार प्रयास किया, आपकी जो मुहिम है बड़ी सराहनीय है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि पूरा मामला मीडिया में आया उसके बाद ये चीजें हुई? आप लगातार मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे थे, आप शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिख रहे थे, क्या विधायक की चिट्ठी का असर नहीं होता, मीडिया की खबर का असर होता है? इसके उत्तर में मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल हमारा मीडिया बहुत जागरूक है जी, और जब तक जनता को पता लगता है उससे पहले मीडिया आगे पहुंचता है, ये एक अच्छा सुखद संदेश है। मीडिया ने जो काम किया है वास्तव में उससे जागरूकता आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मीडिया कहता रहा तभी हुआ है। संज्ञान में आने के बाद हम सब एक्टिव हो गए थे, समाधान की सोच रहे थे, खोज रहे थे समाधान, और अंत में ये समाधान हो गया। रणधीर जी, हम बार बार आपकी मुहिम की सराहना कर रहे हैं, हम अच्छा में अच्छा लगा कि इस तरह से आपका क्षेत्र नहीं था लेकिन फिर भी आप गए और आपने मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाया, शिक्षा मंत्री तक इस बात को पहुंचाया, आपके क्षेत्र की जनता भी कहीं ना कहीं आपकी सराहना करेगी, लेकिन तकलीफ इस बात पर होती है कि जब क्षेत्र का जो विधायक है, जो इस एरिया का बड़ा नेता है, रणधीर सिंह कापड़ीवास एक बड़ा नाम है, लेकिन जब वो भी जाता है शिकायत करने के लिए तो तुरंत फौरन कार्रवाई नहीं होती है। जब लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है उसके बाद कहीं ना कहीं मीडिया में खबर आती है, फिर असर होता है। आपकी बात पर इतनी देर में रिएक्शन सरकार ने, आपकी ही सरकार ने क्यों किया, इस सवाल का जवाब मांग रहा हूं मैं आपसे। देखिए, सरकार ने पूरी तरह से जी दबाव दिया है प्रशासन पर, और जो मुलजिम लोग थे जी वो इधर उधर हो गए थे, तो पुलिस ने पहले दो मुलजिमों को पकड़ लिया था, अब तीसरे को भी पकड़ लिया है, अभी सभी मुलजिम पकड़े जा चुके हैं जी। हाँ। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, कम से कम कार्रवाई हो रही है। इस वक्त हमारे साथ विक्रम ठेकेदार जी जुड़ रहे हैं, सहकारिता मंत्री। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिचुअल न्यूज में है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि अब इस गांव की समस्याओं को हल किया गया है। आज जब वहां पर आप पहुंचे तो क्या क्या हुआ, और आपने जब घोषणा कर दी, गाँव वालों का रिएक्शन कैसा था? देखो, जिस प्रकार से गांव वालों में प्रतिशोध था, तीन मुलाजिम जिस प्रकार बताए जा रहे थे उनमें से दो गिरफ्तार हो चुके थे, एक गिरफ्तारी बाकी थी, लेकिन आज सुबह 4 बजे उस तीसरे की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरा, गांव वालों का एक मुद्दा था कि हमारा सुमा कतोपरी से अहमदपुर 1.25 किलोमीटर का टुकड़ा गाँव का रोड का था, जो गुड़ियाणी को और अहमदपुर को जोड़ता है, दूसरे हमारे गुड़ियाणी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को उससे अटैच करता है और गांवों को, कई 4-5 गांवों को सुमा कतोपरी गांव से जोड़ता है जी। तो उसकी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा की और मुख्यमंत्री जी ने सहमति दे दी, और उसके हमारे साथ माननीय हमारे कैबिनेट के मंत्री राव नरवीर सिंह जी, पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे, और उन्होंने उसके कहा कि भाई जल्दी से जल्दी इसका निर्माण करवा दिया जाएगा। तीसरा समस्या थी वो हमारे स्कूल में जाने वाले छात्र छात्राओं की थी जी। उसमें पहले ही हमें 1 तक क्लास के लिए अपग्रेड कर दिया गया था, और हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि अगर छात्र छात्राओं की संख्या 9th में अगर हो जाती है तो हम इसको आगे अपग्रेड कर देंगे, अगर नॉर्म्स के अनुसार छात्र छात्राओं की संख्या होती है तो इसको आगे अपग्रेड कर दिया जाएगा जी। विक्रम जी, सराहनीय है कहीं ना कहीं, जो हम लोग बातचीत की सरपंच जी से भी, तो वो भी काफी खुश नजर आ रहे थे और आपका धन्यवाद भी ज्ञापित किया उन्होंने, लेकिन कब तक ये पूरी व्यवस्था हो जाएगी और कब तक बच्चियां जो हैं अपने गांव में 12th तक की पढ़ाई कर पाएंगी? देखो, किसी भी कार्य को करने के लिए प्राइमरी स्कूल हमारे जब से हरियाणा बना तब से राज 2016 तक प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, और ये दुर्भाग्य की बात है कि सुमा और कतोपरी दोनों ही गाँव में प्राइमरी स्कूल है, लेकिन उनके साथ साथ में एक और भी बड़ी बात है कि हमारे एक स्कूल में केवल 11 बच्चे और दूसरे में केवल 41 बच्चे हैं, और जब बच्चे ही ना होते हैं, जब छात्र ही नहीं है, तो उस स्कूल का भी वो आश्रय नहीं हो पाता। तो इसलिए हमें अभी दोनों गांव की पंचायतों ने आश्वासन दिलाया है कि भी हम बच्चों को जो अपने प्राइवेट स्कूलों में या इर्द गिर्द स्कूलों में भेज रहे हैं उनको सभी को हम अपने गाँव में ही एडमिशन करवाएंगे, अगर वो इस प्रकार के अपने उसमें भरोसे में पूरा उतरते हैं और छात्र छात्राओं की संख्या होती है, तो मैं समझता हूँ कि अब की दफा ही हमारे स्कूल का इसी सेशन से स्टार्ट हो जाना चाहिए। चलिए, काफी अच्छी ये भी मुहिम आपकी काफी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। इस बीच बच्चियों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। जैसे जिस प्रकार से हमें बताया कि 8th तक की तो हमें घोषणा कर दी, और 9th और 10th में अगर हमारे पास संख्या की कमी रहती है तो हमारे साथ लगता हुआ
भाई एक प्राइवेट पब्लिक स्कूल है उसके साथ में, तो हमें सरकार ने बात की है कि जब तक अगर हमारे पास इस स्ट्रेंथ नॉर्म्स पूरे नहीं होते हैं तो हम इस स्कूल में सरकारी वहन पर इन बच्चों को पढ़ाएंगे। बिल्कुल विक्रम जी, एक और बात यहाँ पर कही गई, जब आप गांव में पहुंचे थे तो किसी बात को लेकर नाराजगी भी हो गई थी, क्या परेशानी आई थी, क्यों आखिर लोगों ने हूटिंग शुरू की थी गांव के? देखो जो जो अब भी ये सब बातें होने के बावजूद भी कुछ एक इस प्रकार के तत्व हैं जो जो राजनीति इसको राजनीतिक मंच देना चाहते हैं और वो अब भी कर रहे हैं। बाकी गाँव वालों में इस प्रकार की कोई बातें नहीं, जो बाहर से एक एक दो दो गाँव के दूसरी पार्टियों के जो इस प्रकार के विरोधी खेमे से हैं वो इस प्रकार को राजनीतिक मत देना चाहते हैं। बिल्कुल, राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा विक्रम ठेकेदार जी, एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने स्कूल की व्यवस्था कर दी, आप सरपंच संतुष्ट हैं, बच्चियां भी काफी खुश होंगी कि उनके जो मंत्री हैं वो उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, आखिरकार ये स्थिति आई क्यों, बच्चियां क्या सुरक्षित नहीं है, ये बच्चियां अभी हाई स्कूल करेंगे, इंटर करेंगे लेकिन बाद में कॉलेज जाना पड़ेगा, लेकिन ये छेड़खानी वाली समस्या है, इसे किस तरह से आप लोग निपटने वाले हैं, सरकार इस पर भी कोई मुहिम चलाएगी? देखो प्रशासन इस पर गंभीर है और इसकी गंभीरता को देखते हुए हमारे पूर्णतः डीसी और एसपी साहिबान से मैं कहूंगा कि उन्होंने पूर्णतः इसमें हमारे गांव वासियों का पूर्णतः सहयोग करके फिर जो तीसरा जो मुलजिम था जो सार था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें पूर्णतः सुरक्षा के प्रबंध करके चल रहे हैं। बिल्कुल, आपने भय दिखाया, तीन लोग गिरफ्तार कर लिए गए लेकिन छेड़खानी करने वाले सिर्फ तीन लोग हैं, ऐसा हुआ नहीं, रेवाड़ी के आसपास छेड़खानी होती ऐसी परेशानी भी नहीं, तमाम जगहों पर इस तरह की समस्याएं हैं, क्या सरकार कोई जागरूकता अभियान चलाएगी जिस तरह से आप लोगों को इनकरेज करते हैं कि बेटियों को स्कूल भेजें, छेड़खानी इस तरह की ना हो, बेटियों का सम्मान किया जाए, क्या सरकार कोई आंदोलन चला सकती है, इस तरह का जागरूकता अभियान भी शुरू कर सकती है? हाँ बिल्कुल, आज की जो बात है वो हमारी बहन बेटियां इस प्रकार से साथी है कि अब वो जवाब खुद पे खुद दे सकती है और प्रशासन भी हमारा उसी प्रकार से गंभीर है, अब वो पूर्णतः हमारी उन बहन बेटियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके चल रहा है। विक्रम जी, इस वक्त MH1 न्यूज के माध्यम से पूरा हरियाणा की जनता आपको सुन रही है, बच्चियों को किसी भी क्षेत्र में इस तरह की परेशानी ना है, आप कोई आश्वासन देना चाहेंगे हरियाणा की जनता को? मंत्री मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में हरियाणा की सरकार पूर्णतः बच्चियों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कर रही है और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार ये छोटी मोटी घटनाएं पहले भी होती रही है और अब भी होती रहती है तो उनका जो भी दोषी होता है उनको कड़ी सजा दी जा रही है। बिल्कुल विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सहकारिता मंत्री विक्रम ठेकेदार बता रहे थे कि सारी समस्याओं को दूर कर लिया गया है, एक महीने की बात इन्होंने की है, एक महीने में पढ़ाई शुरू हो जाएगी और बीच में वैकल्पिक व्यवस्था की बात भी कर दी गई है, राजनीतिक मंच ना बनाया जाए, राजनीतिक रोटियां इस पूरे मुद्दे पर ना सेकी जाए, इस बात की अपील भी की और हरियाणा की जनता को MH1 न्यूज के माध्यम से विक्रम जी ने यह संदेश भी दिया है कि किसी भी क्षेत्र में बच्चियों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन MH1 न्यूज इस पूरी घोषणा पर नजर रखेगा, सरकार ने वायदा तो कर दिया लेकिन इस तरह की परेशानी होगी तो MH1 न्यूज ने इस तरह से रेवाड़ी की खबर को उठाया, यह खबर हम लगातार उठाएंगे। वह छोटे से ब्रेक का है लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा लगातार जारी है कि क्या सिर्फ आश्वासन है या सरकार इस पूरे मुद्दे पर तेजी से काम करेगी और कहां कहां परेशानी रह जाती है, कहां कहां सरकार ध्यान दे तो शायद ये बच्चियां अपने घरों से निर्भीक होकर निकलेंगी, स्कूल तक जाएंगी, पढ़ाई करेंगी, हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। वह छोटे से ब्रेक का।